Hello students, biosavers are back again with the third part of the chapter tissues. But before starting today's video, I would like to say that please don't forget to like, share and subscribe to our channel. Now let's get started. Now the second type of animal tissue is the connective tissue. The word itself says that it connects something. So this connective tissue connects the different organs or different parts of the body and helps them in providing the support and keeping them in their place. अब इनके सेल्स कैसे होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के? सो द सेल्स दे आर वाइडली स्पेस्ड, इट मींस इंटरसेलुलर स्पेस इनमें प्रेजेंट होती है एंड ऑल दिस सेल्स आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स एंड द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिसाइड्स देयर फंक्शन. अब ये मैट्रिक्स के बेसिस पे द कनेक्टिव टिश्यू आर डिवाइडेड इंटू 5 मेन टाइप्स, दैट इज फ्लूइड और वस्क्यूलर टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू, फाइबरस टिश्यू, एरोलर टिश्यू एंड द एडिपस टिश्यू. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ईच ऑफ देम इन डिटेल. नाउ द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज द फ्लूइड और द वस्क्यूलर टिश्यू, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लड. सो ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है. अब हमने देखा कि अलग अलग कनेक्टिव टिश्यू के अलग अलग मैट्रिक्स का नेचर था. सो ब्लड का मैट्रिक्स क्या है? प्लाज्मा है. द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज प्लाज्मा. प्लाज्मा इज बेसिकली अ फ्लूइड मटीरियल. अब ये प्लाज्मा में अलग अलग सेल्स होते हैं, हमने देखा था. सो दिस सेल्स ऑफ ब्लड आर कॉल्ड एज कॉर्पसल्स. नाउ बेसिकली देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कॉर्पसल्स इन ब्लड, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी. RBC is also called as erythrocytes and they contain the red color pigment, which means they imparts red color to our blood and they also help in the transportation of oxygen. And the second type of corpuscles is the WBC, which are also called as leukocytes and they are commonly called as soldiers of the body, which means they protect our body by engulfing the foreign particles. Now on the basis of their structure and different functions, WBCs are further categorized into 5 main types, that is monocytes, lymphocytes, basophils, neutrophils, eosinophils and blood platelets. So these all are the types of WBC and unka main function hai hamari body ko protect karna foreign particles se. So blood mein do types ke cells hai, RBC जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है एंड WBC जो फॉरेन पार्टिकल से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. सो दिस वॉज अबाउट द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज ब्लड. सो ब्लड का मेन फंक्शन क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मटीरियल्स सच एज न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस, गैसेस, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग. अब सेकेंड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है? स्केलेटल टिश्यू. स्केलेटल टिश्यू क्या है? एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब वो बॉडी को प्रॉपर सपोर्ट फ्रेमवर्क बनाता है. सो स्केलेटल टिश्यू इज अ हार्ड कनेक्टिव टिश्यू. इट इज ऑफ टू मेन टाइप्स, दैट इज बोन एंड कार्टिलेज. मतलब स्केलेटल टिश्यू के दो कॉम्पोनेंट्स है, दैट इज बोन और कार्टिलेज. सो बोन क्या है? बोन का जो मैट्रिक्स है दैट इज वेरी हार्ड बिकॉज उसमें दो ऐसे मटेरियल प्रेजेंट है दैट मेक्स इट वेरी टफ एंड दैट हेल्प्स इन सपोर्टिंग अवर बॉडी. सो वो दो मटेरियल क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट एंड अ प्रोटीन कॉल्ड एज ओसिन. तो ये दो मटेरियल प्रेजेंट होने की वजह से द मैट्रिक्स बिकम्स वेरी हार्ड एंड द सेल्स ऑफ बोन आर एम्बेडेड इन दिस हार्ड मैट्रिक्स. सेल बोन सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ऑस्टियोब्लास्ट. ऑस्टियो मीन्स बोन्स, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज ऑस्टियोब्लास्ट. सो दिस हार्ड बोन हेल्प्स इन सपोर्टिंग द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड इट इज अ नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू, विच मीन्स इट डज नॉट बेंड ईजिली. The second component of this skeletal tissue is cartilage. Cartilage is comparatively less harder than the bones. Elasticity इसमें present होती है. क्यों? क्योंकि इसमें chondrin present होता है. Chondrin is also a chemical substance which provides elasticity to the cartilage. And the cells of cartilage are called as chondroblast and they are also widely spaced, which means intercellular spaces are present in between them. This cartilage occurs at the joints of bones, nose, ears, trachea and larynx. The soft part at the basal portion of our ear is a cartilage. The tip portion of our nose is a cartilage. All these parts are comparatively less harder than the bones.
एरोलर टिश्यू इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप, मीन्स ये सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द स्किन मसल्स, इट इज अराउंड द ब्लड वेसल्स, इन द नर्व्स। इट मीन्स इट, इन शॉर्ट, इट कनेक्ट्स द टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नाउ इट फिल्स द स्पेसेस इन साइड द ऑर्गन्स एंड इट सपोर्ट्स दोज इंटरनल ऑर्गन्स। इसमें दो कॉम्पोनेंट्स है, टेंडेंस एंड लिगामेंट्स। सो टेंडेंस और लिगामेंट्स क्या है? एरोलर टिश्यू के दो कॉम्पोनेंट्स है। अब लिगामेंट क्या करता है? दो बोन्स को कनेक्ट करता है, मीन्स दो बोन्स के बीच में जो स्पेस आती है, वी सॉ दैट एरोलर टिश्यू इज फिलिंग द स्पेस इन बिटवीन द ऑर्गन्स एंड इट सपोर्ट्स दोज इंटरनल ऑर्गन्स। सो लिगामेंट क्या करता है? दो बोन्स के बीच के स्पेसिस को फिल करता है। सो इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू बोन्स एंड ये जो टिश्यू होता है, इट इज वेरी इलास्टिक एंड इट हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ। लिगामेंट जो का जो मैट्रिक्स होता है, इट हैज वेरी लिटल मैट्रिक्स। वाइल टेंडन्स क्या करता है? वो मसल और बोन को कनेक्ट करता है एंड टेंडन जो है, इट हैज अ ग्रेट स्ट्रेंथ बट इट हैज लेस फ्लेक्सिबिलिटी। सो लिगामेंट इज कनेक्टिंग टू बोन्स वाइल टेंडन इज कनेक्टिंग द मसल एंड द बोन। सो द लास्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज द एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो ओवल होते हैं, राउंड होते हैं एंड दे आर फिल्ड विथ फैट एंड सच सेल्स आर कॉल्ड एज एडिपोसाइट्स। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये स्किन के लेयर के नीचे प्रेजेंट होते हैं, अराउंड द हार्ट, नियर द ब्रेन, बिलो द आईबॉल्स, वेयर देयर इज फैट प्रेजेंट। एंड ये क्या करते हैं? दे प्रिवेंट द हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। So here is the mind map for the type of animal tissue. Up till now we have completed the epithelial tissue and the connective tissue. हमने देखा था epithelial tissue के 5 types होते हैं, that is squamous, cuboidal, columnar, ciliated and stratified squamous. आज हमने देखा कि connective tissue are basically of 4 main types, that is areolar tissue, adipose tissue, skeletal tissue and fluid tissue. Fluid tissue is further having 2 components, that is blood and lymph. Skeletal is having further 2 components, that is bone and cartilage. Areolar is having 2 components, that is tendon and ligament, and adipose tissue is containing the fat cells. So that's it about today. In the next lecture we will study about the further 2 types of animal tissue. So thank you. If any doubts, do let me know in the comment section, and please stay tuned. We will be soon updating the more lessons in the NCRT. So please subscribe to our channel. Thank you.